परतवाड्याच्या शिवशक्ती धाम येथून अमरनाथ यात्रेसाठी भक्तांचा जत्था रवाना झाला आहे. यामध्ये अमरनाथ यांचा जयघोष करत 35 युवा व्यापारी अमरनाथकडे निघाले आहेत. अमरनाथ यात्रेला परतवाड्याच्या गुरु नानक नगर येथील शिवशक्ती धाम येथून 35 युवा व्यापाऱ्यांनी अमरनाथ यात्रेला सुरुवात केली. 11 ते 20 जुलै दरम्यान ही यात्रा आयोजित आहे. शिवशक्ती धाम मंदिरमध्ये दीपक उर्फ डब्बू मूलचंदानी यांच्या नेतृत्वात भोलेनाथाचा अभिषेक करण्यात आला. तसंच शिवभक्तांचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मानही करण्यात आला. परतवाड्याचे गुरुनानक नगर प्रहार नेता विजय धावानी व शिवशक्ती धाम समितीच्या वतीनं हा स्वागत समारोह करण्यात आला. या जथ्यामध्ये परतवाडा ते बैतूल व्हाया ट्रेन व हवाई जहाज असा प्रवास आहे. एकीकडे अमरनाथ यात्रेमध्ये ढगफुटी झाल्याच्या घटना घडत आहेत, बातम्या येत आहेत, तर दुसरीकडे अमरनाथ यांच्या यात्रेसाठी भाविक रवाना होत आहेत. या भाविकांमध्ये जबरदस्त उत्साह दिसून आला. भक्तों का जत्था अमरनाथ रवाना हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बोलो शंकर भगवान की जय. ऐसे ही सभी लोगों ने अमरनाथ जाने को ना और शंकर भोलानाथ का आशीर्वाद लेकर और अपना जीवन बहुत सुखमय बनाने को ना. बोलो शंकर भगवान की जय. कितने लोगों का जत्था आपके साथ रवाना हो रहा है, क्या आपकी प्रतिक्रिया, पहला अनुभव अमरनाथ जाने का? आज यहाँ से 32 लोगों का जत्था बाबा के दर्शन के लिए निकल रहा है. काफी खुशी की बात है कि इस तरह ही उमंग से अगले वर्ष भी 32 की जगह 132 लोग चले और सबके लिए आशीर्वाद वहाँ से मांगते हैं. सकुशल इनकी वापसी हो ऐसी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ और इनकी जाने की तैयारी हो. क्या ये इतना बड़ा जत्था जा रहा है, इतने युवा वर्ग जा रहे हैं, करीब 35 लोग रवाना हो रहे हैं, इनकी सकुशल वापसी के लिए अनुष्ठान या शिवशक्ति धाम में कौन कौन से आयोजन यहाँ किए जाने वाले? यहाँ सवेरे डब्बू भैया मूलचंदानी के नेतृत्व में सवेरे अनुष्ठान किया गया, अभिषेक किया गया था. और ये जत्थे पहले भी एक दो बार दो दो लोग, तीन तीन लोग, चार चार लोग जाके गए हैं. धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है और अगले साल इससे ज्यादा बढ़ेगा. इनके सकुशल लौटने के लिए कोई आयोजन यहाँ करने वाले हैं कुछ ऐसा कुछ? हाँ, ये ऐसा आज अभिषेक हुआ है और बाबा का आशीर्वाद है जो वहाँ बुला रहा है. सकुशल लाएगा भी और सबके लिए आशीर्वाद भी लेके आएंगे. ये सब सिर्फ सिंधी समाज नहीं, ये लोगों, ये बच्चों का इतना उत्साह, ये हमारे को देख के ऐसा लग रहा है कि बाबा के पास हमें भी जाना चाहिए. ये ऐसा उत्साह, ऐसा ये बच्चों ने जो किया है, इतना सुने बाद, इतनी आपदा आने के बाद भी इनका मन एक सेकंड भी डगमगाया नहीं. सुरेश भाई, एक प्रश्न है मेरा आपसे. हर बार शिवशक्ति धाम समिति रहे या पूज्य सिंधी पंचायत के जो भी लोग हैं, यहाँ पर जो युवा वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, हर बार तिरुपति बालाजी जाता है, अमरनाथ जाता है, कई सारे ऐसे टूर आपके निकलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग? हम अभी तो 4 तारीख को तिरुपति बालाजी जा रहे हैं अभी ये यात्रा, और उसके अलावा हम वैष्णो देवी वगैरह भी जाने का प्लानिंग चल रहा है. ऐसी इनकी सुने बात तो हमारा भी मन करता है कि बाबा धाम चले जाना. हमने भी जैसा किस्मत रही, इतना सुने बात तो जाना, ये बोले तो एक बड़ी हिम्मत वाली बात है. और ये जो बच्चों ने बताई है वो हमारे को बहुत गर्व की बात है. मेरा सुरेश भाव आपसे प्रश्न है, ये जो यात्रा है यहाँ जो पहली बार ये अनुभव आ रहा है, 30 लोगों का जत्था एक साथ जा रहा है, क्या कहेंगे आप? हेलो पहले तो सभी परतवाड़ा की जनता को निवेदन करूंगा कि हम सुख से जाए और सुख शांति से वापस आए, क्योंकि ऊपर वाले ने अभी तक जो भी है हर इच्छा पूरी की है. और आपके भगवान से यही प्रार्थना की सुख से जाए और सुख से हम आ जाए. और ऊपर वाले की कृपा से ये भी एक मेरा तीर्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो सब इच्छा पूरी हुई है. एक प्रश्न, वहाँ पर इतनी आपदा आ रही है, इतने बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी आप जा रहे हैं, उत्साह बना हुआ है युवाओं में, क्या कहेंगे आप? उत्साह देखते बन रहा है, सब एक से बढ़कर एक बच्चे जो है वो काफी उत्साहित होने से हमारा भी उत्साह बढ़ा है और मैं भी उनके साथ अपना तीर्थ करने जा रहा हूँ.
मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी सकुशल ईश्वर का दर्शन करके हमारे लिए प्रसाद लेके आए। एक प्रश्न है मेरा, क्या आप कहेंगे कि एक तरफ वहाँ पर बाढ़ आ रही है, कई सारे लोग उसके अंदर अटक गए हैं, कई लोगों की घटनाएं दुर्घटनाएं भी हो रही है, ऐसी स्थिति में जाने के बावजूद भी आप इतना उत्साह देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये बाबा भोलेनाथ जी की मेहरबानी है, उनकी कृपा है जो हम लोगों को विश्वास बना के रखा है, हम लोग हमारे ग्रुप ने, और सभी लोग पूरा विश्वास करके जा रहे हैं, इसीलिए कोई विघ्न नहीं आएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बर्फानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी, बाबा का बुलावा आया है और करीबन 35 लोग हम अमरनाथ यात्रा के लिए निकल रहे हैं, और ये बाबा का ही आशीर्वाद है कि एक एक करके 35 लोग बने हैं, आगे भी इच्छा है। इसके पहले भी आप अमरनाथ जाकर आए हैं? ये हमारा पहला ही वर्ष है और पहला ही अनुभव है। क्या कहेंगे, अमरनाथ यात्रा जारी, क्या कहेंगे आप? सभी भक्तजन अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं और भगवान बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं, इनकी यात्रा सुखद एवं सफल हो ऐसी भगवान बर्फानी से मैं प्रार्थना करता हूँ। जय श्री बाबा बर्फानी। आपकी प्रतिक्रिया है, कितने लोगों का जत्था आपके साथ जा रहा है? हम सब लोग बहुत खुश नसीब है कि अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, डब्बू भैया हमारे शंकर पांड पटेल वाले की सहायता से हम उधर जा रहे हैं, उन्होंने सब प्रोग्राम बनाए सब लड़कों का, लगभग 35 लोग हैं हम सब साथ में। बाबा का बुलावा है, वहाँ पे बादल फटने वगैरह की सब सुनने के बाद में भी हम सब प्रोत्साहन कुछ भी कम नहीं हुआ और हम सब बहुत अच्छा दिल से नाच से गाते जाने की बहुत ये है। माता जी का ले लो, एक माता जी का।